नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप कि हमने अपने अनार के पौधे पर एक एयर लेयरिंग किया था, तो उसका मैं आज दोस्तों आपको रिजल्ट्स दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पौधा था और इसमें देखिए काफ़ी अच्छी हेल्दी रूट्स आ गई हैं। तो प्लांट्स दोस्तों, प्रोपगेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो फ्रूटिंग प्लांट्स होता है, फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए आप हमेशा एयर लेयरिंग मेथड का ही यूज करिए। चाहे तो आप जो है कप बोतल का यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है तो प्रॉपर एयर लेयरिंग जो होती है गुट्टी बांध करके, वैसे आप एयर लेयरिंग कर सकते हो, या पॉट लेयरिंग भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो मेरा सबसे फेवरेट मेथड रहता है वो रहता है ये वाटर ग्लास मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड मुझे इस वजह से लगता है कि हम इसमें ऊपर से फीडिंग दे सकते हैं, जिसमें से ये रूट्स को फीडिंग भी मिलती रहती है, और रूट्स जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं, थोड़ा सा स्पेस भी मिलता है, तब जो आप अपने पौधे को अगर रिमूव करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें न्यूट्रिशंस भी हो जाते हैं और रूट्स भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। इस वजह से मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि वाटर ग्लास मेथड का ही यूज करूँ। मैं अपने रोजेज में भी जब या अपने अमरूद पर गुआवा में भी जब एयर लेयरिंग करता था तो ऐसी सेम मेथड ही यूज करता था। ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी पड़ता है लगाने के लिए। तो इसको दोस्तों, आज दोस्तों हम इसको रिमूव करने वाले हैं, और देखिए जो हमारा प्लांट्स बनेगा इसमें हमारे फ्लावरिंग भी होगी, साथ ही साथ में देखिए इतना ये प्लांट्स निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले इसको कट के लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल आपको तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे इसकी तस्वीर है, कुछ ऐसी तस्वीर है। ये देखिए इसकी रूट फॉर्मेशन आप देख लीजिए, ये देखिए कितनी अच्छी देखिए रूट्स बनी हुई हैं। और देखिए मैं आपको प्लांट्स अगर दिखाता हूँ तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों फ्लावरिंग भी साथ ही साथ देखिए चल रही है, देखिए ये फ्लावरिंग भी चल रही है। तो ऐसे ही दोस्तों आपके प्लांट्स नर्सरी में मिलते हैं कि जिनमें फ्लावरिंग भी हो रही होती है, बहुत छोटे छोटे पौधे भी होते हैं। तो एयर लेयरिंग का दोस्तों सबसे अच्छा यही खास बात होती है कि इसके पौधे हमेशा जो है फ्रूटिंग पर ही रहते हैं। सीड से लगाने पर दोस्तों 5 से 6 साल लग जाता है, लेकिन जब आप एयर लेयरिंग के थ्रू लगाते हो तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक पौधा बन करके तैयार हो गया एक ही पौधे से। तो बाय द वे दोस्तों, अगर आपके इस प्लांट को, मदर प्लांट को कभी कुछ होता भी है तो आपके पास इसका दूसरा प्लांट रहता है, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत की नहीं होती है, जाने का गम भी नहीं होता है। तो आप भी दोस्तों ऐसे ही करिए, बरसात के मौसम पे आप सबसे ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। बाकी तो दोस्तों आप विंटर छोड़ करके किसी भी सीजन में कर सकते हो, हर सीज़न में दोस्तों रूट्स अच्छे से ग्रो होती हैं। विंटर सीजन में रूट्स नहीं ग्रो होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि ठंड का मौसम होता है। तो होप दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय।